हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। रिसेंटली आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट मसीरा आइलैंड इन ओमान। इट इज़ लार्जेस्ट आइलैंड इन द कंट्री। मसीरा आइलैंड जाने के लिए अपने को सन्ना पोर्ट तक ट्रैवल करना पड़ता है बाई कार और बाई बस। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो मस्कट टू सन्ना पोर्ट इट्स 450 किलोमीटर एंड इट विल टेक 5 आवर्स टू रीच सन्ना पोर्ट। सो सन्ना पोर्ट के बाद अपने को फेरी में ट्रैवल करना पड़ता है जो कि 1 आवर ट्रैवल टाइम रहता है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ सन्ना पोर्ट और यहाँ से मुझे अभी लेना है फेरी का बोर्डिंग पास। टिकट मैंने ऑलरेडी मस्कट से बुक कर दिया था। अगर आपको टिकट बुक करना है तो आप रूबी में मवासलात का जो बस स्टैंड है वहाँ से फेरी टिकट बुक कर सकते हैं। और यहाँ से फिर ये जो NFC का ऑफिस है जो कि मवासलात का ही है, दोनों एक ही कंपनी है, तो यहाँ से हम बोर्डिंग पास ले सकते हैं। फिर गाइस, तो मैंने बोर्डिंग पास ले लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ सन्ना पोर्ट की ओर जहाँ से कि मुझे फेरी लेना है। गाइस, तो अभी मैं हूँ सन्ना पोर्ट पर, ये आप देख सकते हैं। और अभी मैं फेरी का वेट कर रहा हूँ। फेरी अभी तक आया नहीं है मसीरा से। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये फिशरमैन है। ये लोग अभी फिश वगैरह समुंदर से निकाल के लेके आए हैं और ये इसमें लोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी देखा कि ये लोग किंग फिश, जो बड़ा वाला फिश रहता है, उसका अभी ये लोग लोडिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। गाइज, यहाँ पर और दूसरे कंपनी का फेरी भी रहता है, बट उसमें क्या रहता है, उनका फिक्स टाइम नहीं रहता, उसमें काफ़ी आपको वेट करना पड़ता है। जब इन लोग के पास पूरा पैसेंजर हो जाता है कंप्लीट, तब ये लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ऑलरेडी फेरी आ रहा है यहाँ पर। और ये ही है वो फेरी जिसमें मुझे मसीरा आइलैंड जाना है। तो ये मवासलात कंपनी का है। अभी पहले ये NFC था, तो लेकिन अभी NFC एंड मवासलात दोनों एक कंपनी हो गए, तो उसका फेरी। और काफ़ी ब्यूटीफुल नीट क्लीन फेरी है और ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है ये। गाइस, तो अभी यहाँ पर फेरी आ चुका है और यहाँ पर अभी जो मसीरा से पैसेंजर आए थे वो लोग निकल रहे हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ से जो सन्ना पोर्ट के पैसेंजर हैं मसीरा जाने वाले, उनका बोर्डिंग स्टार्ट होगा। तो अभी मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होता है तो आपको अंदर का व्यू भी दिखाता हूँ फेरी में क्या कुछ है। गाइस, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये दूसरे कंपनी का फेरीज़ है और यहाँ पर अभी समुंदर में जो वाटर लेवल है वो भी काफ़ी हाई है। और ये है मवासलात का फेरी जिसमें कि मुझे मसीरा के लिए ट्रैवल करना है।
जो कि मुझे 1 आवर अभी यहाँ मसीरा पहुँचने में लगेगा। और यहाँ पर बोर्डिंग भी स्टार्ट हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पर 2 सेक्शन में सीटिंग अरेंजमेंट है, एक फैमिलीज के लिए है और एक जेंट्स लोगों के लिए। और यहाँ पर ये लोग सिर्फ वाटर का बॉटल देते हैं आपको, और कुछ यहाँ पर नहीं मिलता है। और अभी ऑलरेडी फेरी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है मसीरा के लिए। गाइस, तो ये आप सामने देख सकते हैं, दूसरा फेरी सामने से जा रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। और अभी मैं निकला हूँ बाहर की ओर फेरी में, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट के बाद जो डोर रहता है बाहर का वो ओपन करते हैं, तो आप बाहर से भी जो है व्यू देख सकते हैं समुंदर का। तो ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मसीरा आइलैंड की ओर, और ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल जो वाटर है समुंदर का, कितना क्लीन है। गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ फेरी का टॉप पर, और वहाँ से जो सी व्यू आता है वो काफ़ी ब्यूटीफुल रहता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं ऊपर, एंड ये है पूरा ऊपर का एरिया जो फेरी का है। एंड सामने ऐसे जो समुंदर का व्यू आ रहा है तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर ये है पार्किंग एरिया जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब लोगों ने अपना कार पार्क करके रखा है। इसमें अच्छी बात यह है कि आप अपना कार भी साथ में लेके जा सकते हैं, ताकि आपको आइलैंड पे घूमने के लिए टैक्सी वगैरह ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अपने कार से आप घूम सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाइस, तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है मसीरा आइलैंड, और अभी मुझे लगता है 15 से 20 मिनट और लगेंगे मुझे पहुंचने के लिए। गाइस, तो मैं फाइनली पहुंच चुका हूं मसीरा आइलैंड, और अभी मैं यहां से कार निकाल रहा हूं पार्किंग एरिया से। तो ये आप देख सकते हैं ये है मसीरा का पोर्ट, जहां से कि फेरी मिलता है। और ये सामने पूरा आप एरिया देख सकते हैं, ये है मसीरा आइलैंड, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है।
गाइस तो अभी मैं सबसे पहले चेक इन करता हूँ होटल में एंड फ्रेश वगैरह होता हूँ, फिर उसके बाद मैं मसीरा को एक्सप्लोर करूँगा। एंड ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा होटल रूम एंड काफ़ी ब्यूटीफुल रूम है। और यहाँ से ये क्या है, बीच से बिल्कुल कनेक्टेड है, तो जो बाहर का व्यू आता है वो भी कमाल का है यहाँ पर। सो एंड बाकी सारी फैसिलिटी हैं इसके अंदर, आपको एक अलमीरा भी मिल जाता है यहाँ पर, फ्रिज है और दो सोफ़े लगे हुए हैं, एक कॉफ़ी टेबल है यहाँ पर। गाइज़ इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और आगे का आपको न्यू ब्लॉग में दिखाता हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।